In this video I am teaching you fruits composition drawing with easy steps. So watch this video carefully. First you have to draw papaya drawing आपको कैसे करना है एंड पेयर ड्रॉइंग ईजी वे में हम कैसे करेंगे तो आप देखेंगे. बैक साइड में आपको रफ ड्रॉइंग करके दिखा देती हूँ. फर्स्ट आपको ड्रॉ करना है सर्कल. ये सर्कल है, सर्कल ऑब्जेक्ट हमारे पास है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट. तो ये देखिए फर्स्ट हम सर्कल ड्रॉ करेंगे. डाउन साइड हम लार्ज साइज का सर्कल ड्रॉ करेंगे, बिग साइड अटैच करता हुआ इस टाइप से. ये फ्री हैंड हमने ड्रॉ करा है. इस टाइप से आप यहाँ से अटैच करेंगे ये ड्रॉइंग सर्कल, स्मॉल सर्कल से बिग सर्कल के लाइन पे ज्वाइन होने पर ये आपको इस टाइप से अटैच करना है. और ये पपाया ड्रॉइंग का शेप, पपाया ड्रॉइंग का शेप आपको इस टाइप से लेना होगा. ये देखिए अभी हम इसको रब करके दिखाएंगे और आप देखेंगे पपाया ड्राइंग कितना इजी होता है करना. टू लाइंस आपको इस टाइप से ड्रॉ करनी होंगी. तो ये आपका पपाया ड्राइंग कंप्लीट हो गया. इसी टाइप से आप पेयर ड्रॉ करेंगे. पेयर के लिए स्मॉल सर्कल एंड बिग सर्कल इस टाइप से अटैच करेंगे. अपर साइड ये ड्रॉ करेंगे. अब हमें शेप लेना है. साइड से आप ये लाइन कर्व लाइन अपोजिट साइड ड्रॉ करेंगे और ये आपका पेयर ड्राइंग कंप्लीट हो गया. ये देखिए इसको रफ कर देंगे एक्स्ट्रा लाइन को हम. तो इस टाइप से आपको पेयर ड्रॉ करना है, पपाया एंड पेयर ड्राइंग. तो चलिए अब हम फाइनल ड्राइंग स्टार्ट करते हैं. आप देखेंगे ध्यान से कैसे हम ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट आपको पपाया ड्रॉ करना है. जैसे हमने स्टेप वाइज बताया वैसे कर सकते हैं. तो आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ये आप ईजी स्टेप्स के साथ, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आप इसकी ड्राइंग कंप्लीट करेंगे. अपर साइड ये ड्रॉ करना है आपको. ये देखिए पपाया की हम कंप्लीट ड्रॉ नहीं करेंगे, हाफ ड्राइंग हम ओवरलैप करेंगे. ओवरलैपिंग के ऊपर क्या होगा, हम मैंगो ड्रॉ करेंगे. तो मैंगो का भी हम अपर साइड से ये ड्रॉ कर देते हैं. अब मैंगो ड्राइंग का हम शेप ड्रॉ करेंगे. ये देखिए यहाँ से ये शेप टाइप चलेंगे. मैंगो ड्राइंग के ऊपर हमें एप्पल ड्रॉ करना है. तो वो देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे एप्पल ड्राइंग. एप्पल के लिए आप ओनली आप सर्कल ड्रॉ, ओनली सर्कल ड्रॉ करना है आपको. ड्राइंग बुक के अकॉर्डिंग ओनली सर्कल ड्रॉ करना है. ये देखिए और ये हम ओवरलैपिंग ड्राइंग मैंगो की रब कर देंगे. अभी साइड में हमें ग्रेप्स ड्रॉ करना है. ग्रेप्स का अपर पार्ट ये ड्रॉ करना है आपको. अब आपको स्मॉल सर्कल ड्रॉ करने हैं ओवरलैप करते हुए. इसको हम फाइनल लुक देंगे विद कलर्स, कलर्स के साथ. ये देखिए आपको ये ओवरलैपिंग दिख रही है वहां पर, उसको रब करना है. तो ये रब कर देंगे हम यहां से, ये रब कर देंगे. तो ये आपका कंप्लीट हो गया. ये देखिए ड्राइंग, ग्रेप्स ड्राइंग भी कंप्लीट हो गई है. अब हमें आगे ऑरेंज ड्रॉ करना है. तो ऑरेंज के लिए आप फर्स्ट ये ड्रॉ करेंगे अपर साइड, देन यहाँ से ये शेप दिखेगी. कर्व ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, आगे कंटिन्यू करेंगे लाइन यहाँ से ज्वाइन कर देंगे. नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे बनाना ड्रॉइंग. तो अपर साइड के लिए हम बनाना का ड्रॉ करेंगे. ये फ्री हैंड पेंसिल देखिए हम कैसे मूव कर रहे हैं. स्मॉल
स्मॉल साइज के बनाना ड्रॉ करेंगे आप। ये लेकर आइए ड्रॉइंग डाउन टूवर्ड्स। ये देखिए आगे हम पेयर ड्रॉ करेंगे। पेयर हमने बैक साइड आपको बताया था सर्कल, तो यहाँ मैं फ्री हैंड करूँगी ड्रॉ। ये देखिए तो आपकी कॉम्पोजिशन रेडी हो गई है। तो इसी तरह इस टाइप से आप भी ड्रॉ करेंगे एंड अब हम स्टार्ट करेंगे कलरिंग। कलरिंग में हम पेंसिल कलर, क्रेयॉन्स कलर, डिफरेंट मीडियम यूज कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगता है। तो फर्स्ट हम करेंगे कलरिंग से पहले आउटलाइन। तो आउटलाइन देखिए फिनिशिंग टच के लिए हम आउटलाइन यूज करेंगे। स्मॉल एरिया यहाँ पे आप ध्यान से करेंगे आउटलाइन। इस क्लास अब हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। आउटलाइन कंप्लीट हो गई है हमारी। देखेंगे आप कलरिंग फर्स्ट हम करेंगे पपाया में कलरिंग करेंगे। तो येलो कलर हम यूज करने वाले हैं। येलो कलर हमने फिल कर दिया है इसको। हम अब हम ऑरेंज कलर से यहाँ पर शेडिंग दिखाएंगे येलो कलर में। ये देखिए पेंसिल कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। साइड साइड आपको इस टाइप से शेडिंग करनी है। देखो लाइट हैंड से इस टाइप से कलर मार्च करना है। ये देखिए आप अभी येलो कलर हमने यूज़ करा है। अब हम रेड कलर से डार्क शेड दिखाएंगे। ये देखिए अदर साइड हम ग्रीन कलर से यहाँ पर ये इफेक्ट ग्रीन कलर से हम शो करेंगे। को अच्छे से मर्ज करेंगे अभी हम। यस क्लास तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया कलरिंग। अपर साइड हम ब्राउन कलर यूज कर देंगे। इसी टाइप से हम मैंगो में कलरिंग करेंगे। येलो कलर यूज करेंगे। ऑयल पिस्टल में कलर कर रही हूँ और पेंसिल कलर भी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर शेडिंग के लिए।
यस क्लास, तो आप देख सकते हैं अभी येलो कलर फिल करा है हमने अच्छे से, इसको वाइट एरिया नहीं छोड़ना है, अच्छे से कलरिंग करना है। अब हम ऑरेंज कलर से शेडिंग दिखाएंगे, देखिए फर्स्ट आपको अपर साइड से देखिए शेडिंग स्टार्ट करना है। पेंसिल के स्ट्रोक्स नहीं दिखने चाहिए, वो हमें अभी हाइड करना है। अभी हम रेड कलर यूज करेंगे अपर साइड, ये देखिए इसको हम इसी टाइप से मर्ज करते हुए चलेंगे आगे। येलो कलर से हम कलर मर्ज करेंगे थोड़ा। अब हम डार्क ग्रीन कलर से इफेक्ट शो करेंगे, सॉरी ये देखिए रेड कलर से डार्क टोन शो करेंगे। अम्मी दिमाग खराब, अधूरा आ रहा है, रहने दो मुझे जरूरत। तो एप्पल ड्राइंग में हमें इस टाइप से रेड कलर कंप्लीटली फिल करना है आपको। अब हम करेंगे ऑरेंज, ऑरेंज ड्राइंग में कलर करना है आपको फिर, ऑरेंज में हम ऑरेंज कलर करेंगे। वाइट एरिया नहीं छोड़ना है, फिनिशिंग का मेन इसमें फोकस करना है फिनिशिंग पे। कि कोई भी टॉपिक आप ड्रॉ करते हो, कुछ भी ड्रॉ करते हो, तो ड्राइंग में मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट होता है फिनिशिंग एंड। अब हमें बनाना ड्राइंग में करना है, तो येलो कलर हम फिल करेंगे बनाना ड्राइंग में कंप्लीट कलरिंग। ब्राउन कलर से शेड दिखाएंगे अभी हम, साइड साइड आपको ब्राउन कलर से शेडिंग करनी है बनाना में। ये देखिए येलो एंड ब्राउन कंट्रास्ट लेके आपको चलना है, क्योंकि ब्राउन आप देखते हैं बनाना में ब्राउन इफेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है। यस क्लास, ये देखिए आप अपर साइड आपको इस टाइप से ब्राउन कलर कम्प्लीटली फिल करना है। ये बंच हमने ड्रॉ करा है एंड कलरिंग करा है बनाना का, तो आपको ये एज इट इज़ बनाना है, इस टाइप से ड्रॉ करना है एंड कलरिंग करना है। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा डार्क इफेक्ट हम शेडिंग का दिखाएंगे। तो हमने फर्स्ट येलो टोन करा है, पर येलो टोन हमने ब्राउन कलर से इस टाइप से शेडिंग दिखाई है।
अभी ब्लैक कलर से भी हम थोड़ा बहुत इफेक्ट शो करेंगे। ये देखिए अपर साइड हम यहाँ पे ये कलर फिल कर दे रहे हैं ब्राउन कलर। अभी हमें पियर में कलर करना है। पियर में हम येलो कलर हमने फर्स्ट बिल्कुल लाइट करा है अभी, अब हम ग्रीन कलर दिखाएंगे। ये देखिए लाइट ग्रीन कलर फिल कर रहे हैं हम। अब हम डार्क ग्रीन कलर से इसमें शेडिंग करेंगे। साइड साइड आपको शेडिंग करनी है। ये देखिए इसको अभी ऐसे मर्ज करना है कलर। यस क्लास, इस टाइप से आपको पेयर में कलरिंग करनी है। अब हमें अपर साइड ये ब्राउन करना है। नेक्स्ट आपको लास्ट रहता है आपका ग्रेप्स ड्राइंग। तो ग्रेप्स में फर्स्ट हम येलो टोन करेंगे, देन ग्रीन कलर से इफेक्ट शो करेंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आने वाला है, जैसे मैंगो में आए हैं, पियर में आया है, बनाना में आया है, पपाया में आया है, तो इसी टाइप से हम कोशिश करेंगे यहाँ पर भी कलर करने का। ये देखिए अभी ग्रीन कलर से हम यहाँ पे कलर फिल करते हैं। अभी हमने लाइट ग्रीन करा है, येलो अप्लाई करा है, अब हम डार्क ग्रीन से यहाँ पे बिल्कुल लाइट लाइट इफेक्ट शो करेंगे। ये देखिए इस टाइप से। अब हम कलर मर्ज करेंगे। इस क्लास तो आपका टॉपिक ड्राइंग एंड कलरिंग कंप्लीट हो गया है। तो आपको भी इसी टाइप से कलरिंग करना है विद शेडिंग, ब्यूटीफुली इसको कलरिंग करना है, ड्राइंग करना है और कंप्लीट करना है टॉपिक।